गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय डेली लाइव शो विच इज़ बाबा जी लाइव। टुडे इट्स थर्ड एपिसोड। कल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए थे हमारे लाइव में, जो लोगों ने रेज करे थे, तो उसमें अर्चना कोल मैडम ने एक क्वेश्चन किया था कि क्या लेडीज़ रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, या लेडीज़ जो कुंवारी लड़कियां हैं वो लगा सकती हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन वाज कि रुद्राक्ष होता क्या है, तो उसका तो जवाब कल ही मिला था, कल के ही लाइव में। तो एंड थर्ड वन वाज कि बाबा जी से हमने ये पूछना है कि उनके गुरुजी कौन है, तो वो भी आज हम बाबा जी से पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही हम लाइव में आ जाएंगे। तो कल के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी हम बाबा जी से ले लेंगे, और आज हम बाबा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी कुटिया के दर्शन हमें कराएं। तो थोड़ी देर तक बाबा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जो ही जुड़ जाएंगे तो हम आपको रूबरू करा देंगे अपने बाबा जी से, जो रोज़ लाइव आते हैं। आज हमारा थर्ड एपिसोड है। थर्ड एपिसोड में आज हम ये दो तीन बातें करने वाले हैं। पहले तो हम कुटिया के दर्शन करवा देंगे आपको, आप सभी को। अभी मैंने जोड़ दिया। आज पहला हम कुटिया के दर्शन कराएंगे। बाबा जी वेलकम टू आर शो बाबा जी लाइव। तो आपका हार्दिक स्वागत है मेरे शो में। तो आज बाबा जी हमें पहले अपनी कुटिया के आप थोड़ा सा दर्शन करा दें, कि क्योंकि ये एक यूनिक कुटिया है, पुरातन मान लो वैदिक पीरियड के हिसाब से कुटिया बनी हुई है, और बैम्बू स्टिक से, और अपना हवन कुंड वगैरह वो भी दिखा दीजिएगा मेरे दर्शकों को। तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस जो कल कुछ क्वेश्चंस आए थे वो हम उसके बाद उठाएंगे वो वाले क्वेश्चंस। तो पहले थोड़ा सा आप अगर कुटिया का दर्शन कराएंगे तो बहुत बढ़िया रहता। अभी अभी ऐसा है, ये कभी लाइट के टाइम कराएंगे, अभी लाइट कम है, ठीक है, तो कराते थोड़ी देर तक, आपको पूरा कराएंगे हम, तो तब तक आप बताइए। बाबा जी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोले। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि कुटिया का आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं पूरा। जी जी या जी कभी जी। कभी लाइट में होगा ना तो बाहर से सारा आपको दिखाएंगे। हाँ 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 ठीक है, वैसा भी हो सकता है। वैसे ऐसे रख दो ना एक जगह, जी जी ऐसे रख। हाँ बाबा जी थोड़ा सा जोर से, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं दिखाई सुनाई दे रही। जय श्री राधे, जय महाकाल। अब आई आवाज? जी 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 हाँ जी। तो बाबा जी कल का एक क्वेश्चन था, अर्चना कोल मैडम ने एक क्वेश्चन करा था कि क्या कुंवारी लड़कियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, क्या औरतें रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। तो कल के लाइव में उन्होंने ये क्वेश्चंस रेज करे थे जो कल हमने लाइव किया था। बिल्कुल धारण कर सकती हैं, माताएं बहनें सब धारण कर सकती हैं, कोई मना ही नहीं है इसमें। जब सती माता का शरीर छूटा था तो भगवान क्रोधित होकर उन्होंने रुद्र का रूप लिया था जी। तो उनके आंखों से जो आंसू निकले थे वो धरती पे टपके थे जी। और जहां जहां टपके वहां वहां पेड़ हुए, ठीक है, वो फिर उस बन, वो बने रुद्राक्ष जी। वही पार्वती माता माला पहनती हैं, बिल्कुल पहन सकती हैं,
अर्चना कोल जी को मेरी तरफ से ये कह देना कि वो पहन सकती हैं, शक्ति हैं ना, एक तरफ से हम कहते हैं नारी शक्ति हैं, तो क्यों नहीं पहन सकती हैं? हमारी माता हैं, हम जन्म लेते हैं तो क्यों नहीं पहन सकती हैं? नारी शक्ति हैं, पहन सकते हैं, शक्ति को पहला अधिकार है। इसमें एक और चीज आती है कि परहेज, परहेज जैसे कोई परहेज नहीं है इसमें, क्या परहेज है? जब आप स्टोन पहन लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, यदि कोई पहनता है तो क्या है, वो उंगली के साथ लगा रहता है, उसका कोई परहेज नहीं है, तो रुद्राक्ष का क्या परहेज है? परहेज ये है कि आदमी खुद विचार कर ले, पहनना है कोई भी चीज है, परहेज क्या? मान लो आप एक कमीज पहन रहे हैं तो परहेज क्या है? मैली ना हो जाए, खराब हो जाएगी, उसको आप धोते हैं। परहेज क्या है कि अच्छी जगह पे रखना है, साफ जगह पे रखना है, साफ रहना है, बस परहेज यही है। कोई ऐसा नहीं है कि हम बोले उसको ऐसे करो, हमको उसका यंत्र बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी को गलत दिशा नहीं देनी है, परहेज यही है। जैसे हम नहाते हैं साफ रहते हैं, हमारे वस्त्र साफ रहते हैं, तो यह भी साफ जगह रखना है, साफ रखना है, बस यही परहेज है। उसका इस्तेमाल करना है, जपना है या धारण करना है, 8 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, तो ये है, कोई परहेज नहीं है। परहेज यही है कि साफ सुथरा होना चाहिए। जी, दूसरा क्वेश्चन था सुहेल खुजरिया जी का, उन्होंने पूछा था कि रुद्राक्ष होता क्या है। वो तो कल आपने जवाब दे दिया था कि रुद्राक्ष होता क्या है, और एक मुखी, दो मुखी वगैरह से लेके जो ऊपर तक। एक मुखी मिलता नहीं है, हाँ एक हाँ मुखी होता है, मैं बस स्पष्ट कह दूं आपको, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलते। 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी से लेके 14 मुखी तक मिल सकता है हमारे पास, हम देते हैं, लेकिन कई बार वो भी नहीं होता है, आने पे होता है, तो 5, 6, 7, 10 रहता है जी। और एक मुखी नहीं होता। एक मुखी काजू की तरह वो मिल सकता है, गोल आकार वाला, हमने, मुझे भी 30 साल हो गए, मैंने आज तक देखा नहीं है, सुना है, होता, मतलब ये मान लो कि कहीं कोई एक आधा हो किसी के पास, अब जी, करोड़ों में किसी व्यक्ति के पास एक हो, एक है। हाँ ऐसे जी हम जी नहीं जी बोलेंगे ना, ये मिलता है, होगा, महापुरुषों के पास होता है। जैसे सुना है कि एक प्रसाद में पाया जाता है, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जी 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 बाबा जी, एक और क्वेश्चन आया था कि बाबा जी से पूछिएगा उनके गुरु जी कौन थे या मेरे गुरु जी गुरु कौन जी, हैं। हाँ मेरे गुरु जी राजगुरु पीठाधीश्वर 1008 महामंडलेश्वर श्री श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, जी, ये शिव काशी सुंदरपानी में आश्रम है और इस पूरे भारतवर्ष के पीठाधीश्वर हैं, अटल अखाड़ा के हम उनके शिष्य हैं। है तो मेरे सारे संसार के जितने भी संत हैं सब मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने उनसे दीक्षा ली है, वो मेरे गुरु हैं। अच्छा 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 आपने उनसे शिक्षा ली है और वही आपके शिक्षा गुरु नहीं, हैं। दीक्षा, 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 शिक्षा सब कुछ लिया है अच्छा जी। अच्छा अच्छा हाँ जी, सब कुछ जी लिया, जी 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 सब कुछ उन्होंने दिया है। तो थोड़ा सा उनके उन्होंने बारे ही में अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि अभी हवन का टाइम भी होने वाला है आपका, जी, तो थोड़ा सा आप उनके बारे में बता दें। किस विषय पे? यही कि उन्होंने कहाँ से, उनके गुरुजी कौन थे। उनके गुरुजी तो पंजाब से थे, जैसे सुना है, हम तो ये नहीं पूछ सकते कि आपके गुरु, लेकिन उनके गुरु तो है ना, हमारे गुरु हैं, उनके गुरु हैं, उनके भी गुरु थे, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुरुजी इस पूरे भारत वर्ष में, पूरे अच्छा, यहाँ से लेके अमरनाथ से लेके बुढ़े अमरनाथ से लेके अमरनाथ से लेके कन्याकुमारी तक, जी उन्होंने जी जी 2 बार पूरा पैदल भ्रमण किया है, कई वर्षों तक चलते रहे वो, और ओके, हमें भी मौका मिला है उनके जी साथ जी पैदल चलने का। जी 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 अभी आप शायद नहीं जानते हैं, वो पीठाधीश्वर हैं, हमारे भारत के एक अटल अखाड़ा है, जैसे जो 6-7 अखाड़े होते हैं हमारे, उन अखाड़े में एक अखाड़े के वो पीठाधीश्वर हैं। पीठाधीश्वर। जी 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 हाँ, तो वो महामंडलेश्वर थे पहले, फिर पीठाधीश्वर है वो यहाँ पे जी। सुंदरबनी में
हाँ बिल्कुल, उनका यहाँ पे जोरी में भी है। अब बुड्ढे जी अमरनाथ भी स्वामी जी के पास है, पुंछ जी जी अखाड़ा के भी गद्दी गद्दी में बैठते हैं वो, जी जी और उन स्कूल है। गुरुदेव ने एक बार हमने प्रार्थना की थी, उन्होंने कहा था कि विद्या से ज्ञान आता है। जी जी गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं अभी वहां पे, कभी 100, कभी 200, कभी 250 विद्यार्थी रहते हैं, जिनको वो शास्त्री आचार्य करते हैं वहां। सब जी रहने की व्यवस्था सब, हमारे गुरु जी का क्या कहूं, इस जीवा में इतनी ताकत नहीं है और इस पेन जी में ऐसा कोई इंक नहीं है कि मैं लिख सकूं। बिल्कुल अनंत है, बिल्कुल महान है, मेरे कहने से नहीं, कहने का क्या, इस जीवा में इतनी समर्था नहीं है। बिल्कुल 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 पीठाधीश्वर है गुरुदेव, शायद आप जी जानते जी होंगे पीठाधीश्वर क्या होते हैं। जी 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 ये हमारे भाग्य है, ऐसे गुरु हमें, ऐसे संत हमें इस जीवन में मिले। जी तो बाबा जी, अभी आपका हवन का टाइम भी होने वाला है। हाँ बस अगले 5 मिनट में जी 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 हवन करके फिर बताइए, हवन करके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक जी 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 है हवन ना। का भी आप हमें दिखाइएगा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं कि आप यहाँ पे हवन कैसे होता है। जी तो उस बिल्कुल, टाइम आपने तो बात नहीं करनी है, आप तो अपने हवन नहीं नहीं कोई में कोई बात नहीं, कोई दिखा मजबूर देगा, रहेंगे, हम पर तो हवन पे बैठेंगे, हम जी हवन जी पे जी जी बैठेंगे, आपको कोई और दिखा देगा, लाइव करा देंगे हम, जी बाकी जी आप जी दिखा जी दीजिएगा। ये वैदिक है आपको पता ही है, अभी आपने बिल्कुल कहा था कुटिया, कुटिया के लिए क्या है कि थोड़ा दिन को हम बना के एक रख लेंगे क्लिप आपके लिए, तो किसी जी को जी जी बताएंगे, किसी लड़के को बना के रख देंगे, वो जी आपको जी दे देंगे, आप दिखा देना पहले हमारे से बात करने से पहले, 8:30 से पहले आप दिखा देना, फिर जी अच्छे जी से हो जी जाएगा, अच्छे से हो जाएगा ना। बिल्कुल अभी बिल्कुल एक दो बिल्कुल चीजें दिखाएंगे उठ के, फिर आपसे बात करेंगे, अभी थोड़ा भी काम करना है अभी, और जी जी तो जी इसके जी लिए धन्यवाद। अभी हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जय श्री जी जी राधे, जय महाकाल। जय श्री। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय लाइव शो बाबा जी लाइव। अभी आपको बाबा जी का जो हवन कुंड है उसकी आपको मान लो दिखाते हैं कि हवन कुंड कैसा है बाबा जी का, और वहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि ये इंटरेक्टिव सेशन मैं चाहता हूँ कि सारे रेज करें क्वेश्चन, कोई भी अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है बाबा जी से पूछना है, तो वो मेरी वॉल पे लिख के डाले सवाल, तो वो सवाल का जवाब हम बाबा जी से ले सकते हैं। जैसे कि कल के शो में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो वो हमने उनका आंसर आज हमने ले लिया बाबा जी से। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन था कि क्या लेडीज़ पहन सकती हैं, तो पहन सकती हैं, आंसर ये आया कि पहन सकती हैं। तो एक और क्वेश्चन था कि होता क्या है, रुद्राक्ष होता क्या है, तो रुद्राक्ष के बारे में भी बताया गया कि वो एक्चुअली कल ही डिस्कशन हमने सारा कुछ डिस्कस करा था कि व्हाट एग्जैक्टली रुद्राक्ष इज़। तो अभी और भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन रेज करना है, कोई कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो क्वेश्चन मेरी वॉल पे लिख के भेजे, ताकि मैं बाबा जी से वो क्वेश्चंस पूछ के और आपके जवाब आपको दे दूं। तो अभी दोबारा से हम जुड़ रहे हैं, हवन कुंड आपको दिखाते हैं आज। अभी थोड़ी देर तक हवन कुंड का नज़ारा करेंगे, देखेंगे, और बाबा जी के आचार्य भी बैठे हैं वहाँ पे हवन कुंड में, और बाबा जी खुद बैठे हैं। तो हवन कुंड आप अभी देखेंगे बाबा जी का, तो
बाकी मेरी रिक्वेस्ट सभी से ये है कि अगर कोई मान लो किसी को कोई टेंशन है या कोई किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लिख के भेज सकते हैं हमारे इसमें वॉल पे। तो यहाँ कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी बारे में, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हम उस क्वेश्चन का जवाब बाबा जी से ले लेंगे। तो ये, हाँ जी, ये हवन कुंड का आप दिखा हाँ दीजिए। एक्चुअली हमने अभी हवन कुंड का देखना है, तो हवन कुंड क्योंकि बाबा जी हवन कुंड पे बैठे हुए हैं इस टाइम, हवन चल रहा है और बात तो नहीं होनी है उनसे, सिर्फ हमने देखना है हवन, बाबा जी का हवन कुंड, क्योंकि वहाँ पे आचार्य भी हैं और बाबा जी खुद बैठे हैं। तो हवन अपना चल रहा है इस वक्त, अपना तो ये, हाँ बाबा जी, इस वक्त हवन चल रहा है। बाबा जी बात कर सकते हैं इस वक्त, हाँ क्या हवन कर रहे हैं चल आप? रहा है, एक मिनट तक चल रहा है, सी बोलो कभी बात आप सेंटर में यहाँ पे उंगली करें ना, ये सेंटर में आप प्रेस करें तो ये आप फ्रंट कैमरा दिखा देगा, सेंटर में एक एक जगह पे है ऊपर क्रॉस, हाँ वो क्रॉस से बनाया हुआ है सेंटर में। अग्निदेव चलो हाँ बस बस ऐसे ही, यस यस, बस आचार्य जी ऐसे ही रखें। तो मैं अपने व्यूवर से ये कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बाबा जी का हवन कुंड है, ये वहाँ पे हवन हो रहा है इस टाइम, तो बाबा जी के आचार्य बैठे हैं वहाँ पे और बाबा जी खुद भी बैठे हैं। तो यहाँ पे 24 आवर्स अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अग्नि जलती रहती है इस हवन कुंड में, और ये हवन कुंड और जो भी मान लो मैरिजेस होते हैं वैदिक एरा के तरीके से होते हैं। तो आई अर्ज एवरीबॉडी टू जस्ट फॉलो दिस, ताकि जो मैरिजेस हों वैदिक तरीके से मैरिजेस हों, भले वो मान लो होटल्स वगैरह बुक भी करें, बट अगर फेरे शेरे लेने हैं तो यहाँ से आप जो शादी वगैरह के फेरे हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए ये हवन कुंड है, तो बाबा जी इस वक्त हवन कुंड में है, हवन कर रहे हैं। तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप
वो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस का आंसर आपको कल के लाइव में दे देंगे, या अगर आज आज ही मुझे यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिला तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बाबा जी से लेके दे दूंगा। बाबा जी की कुटिया जो है एक यूनिक कुटिया है, जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो एक नेचुरल सा पीस ऑटोमेटिकली आ जाता है, एक पीसफुल एरिया है वहां पे, बिल्कुल मान लो एक तो साइलेंस है, खामोशी है, और इतना यूनिक है, बैम्बू स्टिक से बनी हुई कुटिया है, बहुत बढ़िया है। जब आप खुद विजिट करेंगे देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि आप बड़ा डिफरेंट फील करेंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे वहाँ पे। वहाँ पे पहुँच के बहुत यूनिक सी फीलिंग आती है, मान लो सारे टेंशन्स दूर हो जाती हैं घुसते ही। तो क्योंकि जब मैं पहली बार गया था तो मुझे भी बड़ा आनंद आया था वहां पे देख के, क्योंकि एक पार्क सा है, उसमें फूल लगे हुए हैं और एक कुटिया है साथ में, तो वहां पे वो बैम्बू स्टिक से बनी हुई है, वो भी एक यूनिक सा वो वैदिक एरा के हिसाब से है। एंड और हवन कुंड साथ में ही है सामने, जहाँ पे अभी बाबा जी हवन कर रहे हैं, तो ये भी एक, तो ये हवन कुंड जो है ये मैरिजेस के लिए और जो बड़े बड़े हवन होते हैं तो वो आप करा सकते हैं यहाँ से। तो ये बाबा जी के आचार्य हैं, तीन आचार्य इस वक्त हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे रोज हवन होता है ये, तो चलो आज मैंने कहा कि आज आपको हवन दिखा देते हैं लाइव, जो बाबा जी का हवन है। तो ये हवन रोज होता है यहाँ। ओम हम हनुमते स्वाहा, ओम हम हनुमते स्वाहा, ओम हम हनुमते स्वाहा, ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते, आचार्य जी आपके पास नीचे शेयर का बटन होगा, वो शेयर भी कर लीजिए इसको। स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा। तो ये था बाबा जी का हवन कुंड, और आज हमने बाबा जी से कुछ क्वेश्चंस जो कल रेज हुए थे, कुछ मान लो क्वेश्चंस आए थे वो हमने करे, और अभी आपको मैंने हवन कुंड दिखाया, हवन कैसे होता है वहाँ पे, वैदिक इरा से वैदिक तरीके से होता है। अच्छा, दूसरी बात, अभी लाइव खत्म करने से पहले पहले मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि आई सपोर्ट नमा किचन गांधीनगर, वो इसलिए कि वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाने के लिए क्या है कि अब उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके अलावा मान लीजिए कि अगर कहीं कहीं कमी पड़ जाती है तो उसमें डोनेशन की जरूरत होती है। तो आई अर्ज एवरीबॉडी टू डोनेट नमा किचन गांधीनगर, सो दैट कि कोई
जहां वो डोनेट कर रहे हैं, जिन जिनको डोनेट कर रहे हैं उनको कोई कमी ना हो डोनेशन में, ये जिस टाइम वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी ना हो, या किसी रिसोर्सेज में कहीं कमी ना हो। तो हर एक अपना इस वक्त बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि कोविड काल से हर एक गुजरा हुआ है, हर एक के पास, हर एक ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा ही फर्ज बनता है, जिनका कि कोई मान लीजिए कोई सोर्स नहीं है, कोई इनकम नहीं है। तो अगर उन मान लो गरीबों को अगर वो खिलाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं। तो नमा द नमा किचन गांधीनगर मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि आई सपोर्ट द नमा किचन गांधीनगर एंड यू मस्ट डोनेट टू देम सो दैट दे कैन फीड द पुअर। तो जाते जाते बस यही कहता हूँ कि आप भी सपोर्ट करें, आप भी बड़ा दिल दिखाएं, क्योंकि अगर गरीबों का सवाल है तो गरीबों का खाना वो प्रोवाइड करते हैं नमक किचन वाले, तो दैट्स व्हाई मैं भी सपोर्ट करता हूं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग डोनेट करें उनको, और आप उसका मान लो जो भी पुण्य है वो उसमें भागीदार बन जाए। और अगर कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई अगर नेक काम है, पुण्य का काम है, तो वो खाना खिलाना है, तो किसी भूखे का खाना को अगर खाना खिलाया जाए तो वो सबसे पुण्य का काम है। तो आई अर्ज एवरीबॉडी टू सपोर्ट द नमा किचन गांधीनगर। तो उनका मैं कल उनका नंबर वगैरह फ्लैश कर देता हूँ, जो वहाँ पे मेन जो काम करने वाले हैं, जो वहाँ पे उसको मैनेज करते हैं, तो उसके कल के लाइव में मैं उनका नंबर वगैरह फ्लैश कर देता हूँ, तो आप खुद कांटेक्ट करके उनको भी सपोर्ट करें। तो मेरा भी ये लाइव शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहें क्रिएटर टीवी का डेली लाइव शो, ये जो बाबा जी लाइव, और इसके अलावा एक और शो मेरा चलता है लेट्स टॉक, वो अलग से है। तो अभी ये हम प्रोग्राम आज खत्म कर देते हैं, तो दीजिए इजाजत।